बहुत ही छोटा सा एकदम क्विक वाला रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेकर। ये है निविया का सॉफ्ट विटामिन ई लाइट मॉइस्चराइजर, मतलब इसमें विटामिन ई है। देखो इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूँगी कि मतलब मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि इस प्रोडक्ट को आप यूज़ नहीं कर सकते, आपके स्किन इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल निकलने लग जाता है, आपके स्किन पर पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैंने भी इस प्रोडक्ट को लगातार 2 महीने तक यूज़ किया है, मतलब मुझे ये प्रोडक्ट इतना पसंद आया था कि मैंने इसको अपने फेस के साथ साथ अपनी बॉडी पे भी अप्लाई किया था, तो मुझे 2 महीने तक चला था ये प्रोडक्ट। तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, मैंने खुद इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है। इसको लगाने के बाद आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है कि लाइट मॉइस्चराइज़र है, इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी ऑयलीनेस फील नहीं होगी, आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मुझे तो पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं हुई है, हो सकता है कि मुझे नहीं हुई, उनको हुई है, वो बात अलग है, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट की कोई बुराई नहीं करना चाहूँगी, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत सूट किया है। हाँ, जब मैंने इसको ख़रीदा था ना, तो मैं जब इसको ट्राई कर रही थी तो हाँ थोड़ा बहुत दर्द था, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यू सुने थे जिसमें कहा था कि इसमें इससे ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है, इससे पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन मैं इसको दिन में 2 बार यूज़ किया, जैसे कि सजेस्ट करते हैं कि आपको दिन में इसको 2 बार तो लगाना ही है, एक बार सुबह और एक बार रात को मैंने इसको अप्लाई किया है, मुझे ऑयल की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं ना देखो कितने, देखो मैंने ना इसको पूरा खाली कर दिया, अब इसमें कैसे दिखेगा, देखो मैंने इसको पूरा खाली कर दिया है। हो सकता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा भर भर के क्रीम अप्लाई करते हैं, देखो आपको जो मॉइस्चराइज़र होता है ना वो बहुत ज़्यादा लगाना नहीं होता, आप थोड़ा सा मॉइंट में लो, मतलब जो पी साइज जितना फेस वॉश लेते हैं ना पी साइज उतना ही आपको लेना है, एक मटर के दाने जितना लेना होता है आपको फेस वॉश है ना, उतने ही अमाउंट में आपको अपनी क्रीम लेनी होती है, अपनी मॉइस्चराइज़र लेनी होती है, उसको डॉटेड फॉर्म में अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, मसाज करते हुए अप्लाई कीजिए, आपको इस प्रोडक्ट से कोई भी साइड इफेक्ट फील नहीं होगा। ये आपके स्किन के लिए सूटेबल है, मेरी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो उनके लिए आराम से सूटेबल है ये, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, वो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। शायद ड्राई स्किन वालों को और ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की नीड हो तो वो इसके साथ कोई और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर गर्मियों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले जो लोग हो ना आप ड्राई स्किन वाले जो है ना वो उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में। सर्दियों में शायद आपको थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की नीड हो तो सर्दियों में आप कोई और मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, लेकिन गर्मियों के लिए आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। सारे स्किन टाइप वाले इसको यूज़ करते हैं, गर्मी सर्दी सब टाइम सारी सीज़न में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसको यूज़ करती हूँ और मैं इसको वापस से परचेज़ करूँगी अपने विंटर के लिए, जब विंटर आने वाला है ना मैं इसको वापस से परचेज़ करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको लगाने की, मुझे एक्ने की प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरी स्किन ज़्यादा ऑयली नहीं हुई, स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है, सपल हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद, एकदम स्किन एकदम स्मूथ हो जाती थी। मैंने इसको पास के अपनी केमिस्ट शॉप से लिया था, मुझे पड़ा था 159 में। इस प्रोडक्ट का परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, आप वहाँ जाके परचेज कीजिएगा। जिसको भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए फेस मॉइस्चराइज़र नहीं मिलता ना, आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए हो, तो इसको आप परचेज कर सकते हो। निविया बहुत पुरानी कंपनी है, आप सब जानते हैं कि निविया बहुत पुरानी कंपनी है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है, आप इस मॉइस्चराइज़र को आराम से यूज़ कर सकते हो, आपको उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैंने इसको अप्लाई किया, मुझे अपनी कोई भी स्किन एकदम ग्रीसी ग्रीसी फील नहीं हुई, ऑयली फील नहीं हुई, एक्ने प्रोन मेरी स्किन ऐसी है कि अगर कोई भी मैं चीज़ अप्लाई करती हूँ ना तो वो रिएक्ट कर जाती है, लेकिन इससे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं हुई। इसमें विटामिन ई है तो मतलब आपकी स्किन को ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, आप मतलब जो एक मॉइस्चराइजर का काम होता है ना कि आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज प्रोवाइड करे, आपकी स्किन को स्मूथ बनाए, आपकी स्किन को एकदम बेबी सॉफ्ट बना दे, तो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सॉफ्ट बना देता है ये, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पे। तो जो भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, जो भी डर रहे ना कि नहीं यार निविया वाली क्रीम नहीं ले सकते यार, पता नहीं ऑयली होगी क्या होगी, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन पे बहुत अच्छे सूटेबल है, मतलब मुझे तो सूटेबल है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी स्किन को कुछ सूट करता है ना तो मतलब वो सबकी स्किन को सूट करता है, क्योंकि मेरी स्किन पे चीज़ें बहुत जल्दी रिएक्ट होने लग जाती है। आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, एक बार इस प्रोडक्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।